गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया था और ऐसे स्कोर के पीछे की असली वजह कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत थे, जिन्होंने अपनी वह धाकड़ बल्लेबाजी दिखा दी जिसको देखने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के भी होश पूरी तरह से उड़ गए। T20 वर्ल्ड कप में खिलाने को लेकर उन्होंने पंत पर ऐसा कुछ कहा जिसे सुन पूरा देश सलाम कर रहा है, तो चलिए बताते हैं पूरे बयान के बारे में। लेकिन अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से शुरुआत अच्छी नहीं रही। पृथ्वी शॉ 11 रन बनाकर आउट हुए और मैकगर्व में 23 रन जरूर बनाए, लेकिन अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के बीच काफी ज्यादा शानदार साझेदारी देखने को मिली। साझेदारी ऐसी थी कि ऋषभ पंत ने सभी का धागा पूरी तरह से खोल कर रख दिया और धोनी के अंदाज में मैच को पूरा अंत तक फिनिश किया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऋषभ पंत ने सिर्फ 43 गेंद में 88 रनों की शानदार पारी खेल डाली, जिसमें 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। ऋषभ पंत ने हेलीकॉप्टर शॉट भी खेल और परी के अंतिम ओवर में 35 रन भी ठोक दिए थे, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। अक्षर पटेल ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 43 गेंद में 66 की पारी खेली। बता दे कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से हैरान है, तो वहीं कपिल देव ने भी उनकी तारीफ में जमकर कसीदे पड़े। उन्होंने कहा, एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत जिस तरह से टीम इंडिया से बाहर हो गए थे, लोगों को लगने लगा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, यह उन लोगों को जिन्हें ऐसा लगता था कि ऋषभ पंत तब कभी भी अपना कमबैक नहीं कर पाएंगे, उनकी काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करना। उनकी बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। कपिल देव ने कहा कि मुझे लगता है वह सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, चाहे उसमें ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, दिनेश कार्तिक या फिर KL राहुल ही क्यों ना हो। ऋषभ पंत का समय खराब था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बल्लेबाज खराब है। आज उनकी लय पूरी तरह से वापस आ चुकी है। अगर उन्हें इस वर्ल्ड कप में लिया जाता है तो मुझे लगता है भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेगी। वैसे आप सभी पंत की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।